Yes. Hello, everyone. विक्की कनक वॉइस ऑडिबल है सभी को? गुड इवनिंग सुरेश, कल तक जो पढ़ाया था वो क्लियर है? कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो आज जो है हम लोग रीडर राइटर प्रॉब्लम और डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत पेशेंसली पढ़ना है ना। मैंने बताया कि सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, बहुत पेशेंसली पढ़ने की जरूरत होती है। मतलब कि उसमें बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है, बहुत पेशेंसली समझना पड़ता है। चीजें एक बार में क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन पेशेंसली उसको सुनते रहना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि पूरा इमेजिनेशन का है। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो हम पढ़ रहे हैं वो मल्टीपल प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहा है, तो एक साथ सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो कैसे होती है वो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या डाउट है? तो एक साथ हम सारी प्रोसेस दिखा नहीं सकते, है ना। विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। या तो मैं बहुत आप लोग को विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको पूरा उसके एनिमेशन बना के दिखाऊं, लेकिन मैं अकेला एनिमेशन भी नहीं यहाँ पर बना सकता आप लोग के लिए। कि या तो मैं पढ़ाने का कंटेंट बना दूं या फिर एनिमेशन सीखूं पहले, ठीक है? तो एनिमेशन तो क्योंकि आता नहीं है, तो मैं आपको एनिमेटेड करके तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको इमेजिन करना जरूर सिखा सकता हूँ, और इमेजिन करना बहुत जरूरी है। हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में पेपर में जब आप एग्जाम दोगे, जब एग्जाम में आप पेपर दोगे, तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपको इमेजिन करके आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको कोई एनिमेशन वाली मूवी नहीं दिखाई जाएगी। आपको इमेजिन खुद करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और उसके लिए बहुत पेशेंसली चीज़ों को समझना पड़ता है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन पूरा चैप्टर है उसको बहुत पेशेंसली पढ़ना पड़ता है, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखना पड़ता है, बीच में नहीं जाते। क्योंकि मैंने देखा है कि जितना भी बार भी मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट लास्ट तक कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाते ना, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है, और एक बार में चीज़ समझ में नहीं आएगी तो दोबारा से सुनना पड़ेगा वीडियो को। लेकिन पहली बार एक बार तो कंप्लीट सुनना पड़ेगा ना। क्या डाउट है? क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस ही काम कर सकती है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन कैसा है। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन ऐसा है कि जिसमें कि अगर दो बार मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें फिर एक ही बार एक ही प्रोसेस जा सकती है। लेकिन अगर क्रिटिकल सेक्शन ऐसा है जिसमें कि रिसोर्सेज ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा प्रोसेस जा सकती है। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिखाया था, बताया था कि प्रिंटर को अगर मुझे एक्सेस करना है तो प्रिंटर एक क्रिटिकल सेक्शन है। लेकिन अगर मेरे पास एक ही प्रिंटर होगा तो एक ही प्रोसेस को मैं एंटर करवा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्रिंटर्स होंगे, मान लो मेरे पास 5 प्रिंटर है, तो मैं 5 प्रोसेस को एक साथ एंटर करवा सकता हूँ। डिपेंड करता है सिनेरियो पे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन देखा जाए तो नॉर्मल सिनेरियोज में अगर हम क्रिटिकल सेक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें एट टाइम एक ही प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्लियर है ये डाउट? लेकिन आप इसको थंब रूल नहीं मानोगे। चलो, तो हम आगे पढ़ते हैं आज रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या होती है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का थिंकिंग बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन, पहले प्रॉब्लम समझाऊंगा, कोड दिखाऊंगा, आपको खुद भी समझना आना चाहिए, क्योंकि हर बार मैं आपके लिए वहां पर अवेलेबल नहीं रहूंगा कि आपको कोड समझाऊं। आपको कोड समझ में आना चाहिए, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कोड को समझेंगे कैसे, उसकी टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है? तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, बीच में कहीं पे जाना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। वी रिक्वायर्स दैट द राइटर हैज एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द शेयर्ड डेटाबेस व्हाइल राइटिंग टू द डेटाबेस। देखो, ये तो बीच की कहानी लिखी है, पहले हम समझते हैं कि रीडर राइटर प्रॉब्लम होती क्या है। कि जैसे कि मान लो कि कोई एक वेरिएबल है ना, बैंक का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, बैंक का एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है। तो मान लो कि आपका ये बैंक में पैसा रखा हुआ है ना, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल है जो कि शेयर्ड है। शेयर्ड किसके बीच में है? कई सारी एप्लीकेशंस के बीच में शेयर्ड है, और इसके अंदर मान लो कि अमाउंट रखा हुआ है 50,000, है ना, 50,000 रुपये मान लो कि रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसमें रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, रीड हो सकता है और राइट भी हो सकता है। अब रीड और राइट का मतलब क्या है? रीड करना मतलब कि मान लो कि आप बैलेंस चेक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बैलेंस चेक कर रहे हो। तो बैलेंस चेक करने में आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो क्या? नहीं, आप सिर्फ देख रहे हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, इसको आप बोलोगे रीड करना। राइट करना मतलब क्या होता है कि या तो आप उसमें विड्रॉ कर रहे हो कोई अमाउंट को, विड्रॉ कर रहे हो मतलब या तो आप उसमें से पैसा कुछ निकाल रहे हो या कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, कोई पैसा उसके अंदर डाल रहे हो, है ना। दोनों ही केस में
जो अमाउंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा। मान लो कि आप 10,000 रुपये निकालोगे तो ये 50,000 से 40,000 हो जाएगा, और अगर आप इसके अंदर कोई पैसा डालोगे तो ये 50,000 से 60,000 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में राइट ऑपरेशन होगा। तो राइट जब भी होता है तब डेटा मॉडिफाई होता है। क्या होता है? डेटा मॉडिफाई होता है, लेकिन रीड ऑपरेशन में मॉडिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा है उसी केस में उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक क्रिटिकल सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्रोसेस है P1 और P2, और दोनों ही प्रोसेस अगर रीड करना चाह रही है ना, मतलब कि हमारे पास दो प्रोसेस है P1 और P2, और दोनों ही इस प्रोसेस इस अमाउंट का बैलेंस चेक करना चाह रही है, तो दोनों प्रोसेस को एक साथ हम बैलेंस चेक करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ उसको देखने आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, है ना, मतलब सिर्फ उसको बैलेंस को चेक कर रहे हैं और कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी उसमें डेटा करप्ट नहीं होगा। तो इस केस में अमाउंट हमारा वैसे तो क्रिटिकल सेक्शन है, लेकिन इस केस में आप एक से ज्यादा प्रोसेस को अलाउ कर सकते हो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बैलेंस को चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये राइटिंग कर रहे होते मतलब कि P1 जो प्रोसेस है वो डिपॉजिट करना चाह रहा है और P2 प्रोसेस जो है वो विड्रॉ करना चाह रहा है, तो हम दोनों प्रोसेस को एक साथ अलाउ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर यहाँ पर मॉडिफिकेशन में चेंजेस हो जाएगा, जो हमने देखा था काउंट प्लस प्लस और काउंट माइनस माइनस वाले केस पे। ठीक है, तो इस अगर हमारा राइटिंग हो रहा होगा तो दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं जा सकती, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी। ये बात आई सबको समझ में? ये बात क्लियर हुई सबको? अगर ज्यादा प्रोसेस होगा तो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होगा? नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तभी सेटिस्फाई होता है जब एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करती है। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जना P1 प्रोसेस अगर विड्रॉ करना चाह रहा है तो सिर्फ उसी को अलाउ करेंगे, दूसरे को वेट करना पड़ेगा। P2 प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कब? जब राइटिंग हो रहा। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम यही है। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा दो प्रोसेस भी एक साथ आ सकती है ना, दो प्रोसेस ऐसी भी आ सकती है कि एक रीड करना चाह रही है और एक राइट करना चाह रही है ना, एक रीड करना चाह रही है और एक राइट करना चाह रही है। इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम, की अब क्या किया जाए। अब देखो राइट करने वाली तो एक ही है तो मॉडिफिकेशन तो एक ही करेगी, लेकिन अब रीड करने वाले को वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडिफाई कर रहा है तो अब मॉडिफिकेशन के बीच में अगर इसने रीड किया तो गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये 50,000 को 60,000 बनाने वाला है, 50,000 को ये 60,000 बनाने वाला है P2 प्रोसेस। अब P1 प्रोसेस को हम क्या दिखाएं, 50,000 दिखाएं या 60,000 दिखाएं? तो अब दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हम पहले रीडर को चले जाए चाने दे तो वो 50,000 रीड कर लेगा, या फिर हम सेकेंड टाइम पे रीडर को भेजे तो वो 60,000 रीड करेगा। मतलब कि इस प्रोसेस अगर रीडर और राइटर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, या तो पहले हम रीडर को भेज दें कि रीडर पहले चले जाए वो रीड कर ले, बाद में हम राइटर को भेजें कि राइट करो, क्योंकि जब राइटर राइट कर रहा होगा तो उस समय किसी भी प्रोसेस को हम एंटर करने नहीं देंगे, चाहे वो रीड कर रही हो चाहे राइट कर रही हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस उसको रीड करे। ठीक है ना, एक से ज्यादा प्रोसेस भी रीड कर सकती है, लेकिन हम पहले जब मॉडिफिकेशन हो रहा है उस बीच हम किसी को रीड करने नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत रीड कर जाए। तो हम चाहेंगे कि या तो पहले रीडर को भेज दे पहले, तो ये कहलाएगा फर्स्ट रीडर, कि पहले आप रीडर को भेज दो, वो उसके अंदर चेक कर लेगा कि 50,000 रुपये है और बाहर आ जाएगा, फिर P2 प्रोसेस जाएगी और उसको राइट कर लेगी। लेकिन सेकेंड रीडर भी हो सकता है, सेकेंड रीडर ऐसे हो सकता है कि आप राइटर को पहले भेज दो राइट करने के लिए और फिर P1 प्रोसेस को भेजो। दोनों ही केस में रीडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि या तो वो मॉडिफिकेशन से पहले देखेगा या मॉडिफिकेशन के बाद देखेगा। मॉडिफिकेशन के टाइम पर रीडिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन के टाइम पर आपने अगर रीडिंग दे दी तो वो कुछ भी वैल्यू रीड कर ले। आई बात समझ में? तो दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। तो अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पूरा लिखा हुआ क्या है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन पे जाएंगे। वी रिक्वायर्स दैट द राइटर हैज एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द शेयर्ड डेटाबेस। हम सिर्फ राइटर की बात कर रहे हैं कि राइटर को एक्सक्लूसिव एक्सेस ही देना चाहिए। एक्सक्लूसिव एक्सेस का मतलब ये है कि एट अ टाइम एक ही राइटर जो है शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करना चाहिए, एक से ज्यादा राइटर नहीं करने चाहिए। ठीक है, व्हाइल राइटिंग टू द डेटाबेस।
दिस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू एज अ रीडर राइटर प्रॉब्लम. इसको रीडर राइटर प्रॉब्लम बोलते हैं. मतलब कि रीडर कितने भी एक्सेस कर ले कोई चिंता की बात नहीं है. 50 रीडर, 100 रीडर, 1000 रीडर अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करते हैं, शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि रीडर जो है वो सिर्फ डेटा को रीड करने वाले हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा. लेकिन अगर राइटर अगर है तो हमें फिर एट ए टाइम एक ही राइटर को अलाउ करना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, दूसरे किसी को नहीं. तो रीडर राइटर प्रॉब्लम है सेवरल वेरिएशन, इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. द सिंपलेस्ट वन रिफर्ड टू एज अ फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम. नो रीडर शुड वेट वाइल फॉर द अदर रीडर टू फिनिश सिंपल बिकॉज द राइटर इज वेटिंग. इस केस में क्या होगा फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम में, कि आप पहले सारे रीडर्स को भेज दोगे रीड करने के लिए, किसी भी रीडर को वेट नहीं कराओगे. जो भी रीडर आता जा रहा है आप सबको रीड करने के लिए दे दोगे. क्यों? क्योंकि आप राइटर को वेट करा रहे हो कि जब तक सारे रीड ऑपरेशन नहीं हो जाते आप राइटर को वेट करा दो, क्योंकि राइटर को बीच में आप नहीं भेज सकते. दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है द सेकंड रीडर राइटर प्रॉब्लम. इफ द राइटर इज वेटिंग टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट नो न्यू रीडर मे स्टार्ट रीडिंग. और जब राइटर रीड करना राइट करना स्टार्ट कर देगा तो फिर आप सारे रीडर को वेट करवाओगे. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो सॉल्यूशन है इसको एक साथ इंप्लीमेंट करो, कि पहले आप सारे रीडर को भेज दो और राइटर को वेट कराओ. जैसे ही सारे रीडर अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे फिर आप राइटर को अलाउ करोगे और राइटर राइट कर रहा होगा. अब जब राइटर राइट कर रहा होगा उस समय अगर कोई रीडर प्रोसेस आ रही है तो आप उसको वेट कराओगे. क्यों? क्योंकि अब ये हो जाएगा सेकेंड रीडर. मतलब कि अब जब तक राइट ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक सारे रीडर्स जो है वो वेट करेगा, कोई न्यू रीडर जो है वो अपना प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा. तो अब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट रीडर मतलब कि पहले रीडर जाएगा बाद में राइटर जाएगा, और सेकेंड रीडर मतलब कि पहले राइटर जाएगा बाद में रीडर जाएगा. तो अगर फर्स्ट रीडर अगर है तो एक, और रीडर कितने भी जा सकते हैं, है ना, रीडर अगर 10 भी है तो जा सकते हैं लेकिन राइटर एक ही जाएगा. ठीक है. द सॉल्यूशन टू द आइदर प्रॉब्लम में रिजल्ट इन स्टारवेशन. लेकिन अगर चाहे मैं फर्स्ट रीडर से सॉल्व करूं चाहे सेकेंड रीडर से सॉल्व करूं स्टारवेशन आ जाएगा. स्टारवेशन क्यों आएगा? देखो अगर मान लो कि रीडर आते ही जा रहे हैं तो हो सकता है कि राइटर को इतना वेट करना पड़े कि उसको राइटिंग करने का मौका ही ना मिले. तो राइटर के लिए स्टारवेशन क्रिएट हो जाएगा. स्टारवेशन कब क्रिएट होता है? जब इनडेफिनाइट वेटिंग हो जाती है, मतलब इतना वेट करना पड़ता है कि पता ही नहीं चले कि कब टाइम मौका मिलेगा, मतलब कि पता ही नहीं है कि मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वहां पर स्टारवेशन क्रिएट हो जाएगा. तो अगर आपने फर्स्ट रीडर से सॉल्व कर रहे हो तो आप सारे रीडर को अलाउ कर रहे हो और जब तक रीडर रीड करेगा तब तक राइटर को वेट करना पड़ेगा, और राइटर को कितना वेट करना पड़ेगा ये हम नहीं कह सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने रीडर्स को रीड करना है और वो कितना टाइम लेंगे. तो हो सकता है कि राइटर के लिए स्टारवेशन क्रिएट हो जाए. बिल्कुल उसी तरह से सेकेंड रीडर में रीडर के लिए स्टारवेशन हो सकता है कि राइटर राइट किए जा रहा है वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ ही नहीं रहा और रीडर जो है वो वेट कर रहा है. अब रीडर कितनी देर वेट करेगा ये हम नहीं कह सकते. तो उस केस में रीडर के लिए जो है वो स्टारवेशन क्रिएट हो जाएगा. तो रीडर के लिए भी स्टारवेशन क्रिएट हो सकता है और राइटर के लिए भी, डिपेंड कि हम कौन सा वाला कर रहे हैं. फर्स्ट रीडर में राइटर के लिए स्टारवेशन क्रिएट हो जाएगा और सेकंड रीडर में राइटर के लिए स्टारवेशन क्रिएट हो जाएगा. ये बात क्लियर हुई? यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा. अब ये कोड लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करो. आप इसको ध्यान से देखो एक मिनट और समझने की कोशिश करो कि क्या कर रहा है ये कोड. ये रीडर का कोड है, ठीक है. ये जो कोड है ये रीडर का है, ये जो कोड है ये रीडर का है, और ये जो कोड है ये राइटर का है, ठीक है. मुझे सबसे पहले बताओ कि इसमें कितने सेमाफोर्स वेरिएबल हैं. सबसे पहले मुझे ये बताओ, रीडर राइटर जब भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं सेमाफोर्स पे रिलेटेड, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना आना चाहिए कि इसमें कितने सेमाफोर वेरिएबल्स हैं. बताओ इसमें कितने सेमाफोर वेरिएबल हैं. गुड इवनिंग. बताओ. आप लोग को मैंने पहचानने का तरीका बताया है कि सेमाफोर वेरिएबल्स को कैसे पहचानते हैं, ठीक है. हाँ, दो है. वेरी गुड. कौन कौन से हैं दो? बिल्कुल सही बताया कि दो सेमाफोर्स हैं. और वो दो सेमाफोर्स कौन कौन से हैं ये बताओ. वेरी गुड. मतलब समझ में आने लगा है, ठीक है. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वेट और सिग्नल कितने बने हुए हैं. देखो वेट और सिग्नल पे फोकस करो. हाँ, म्यूटेक्स और आरवी म्यूटेक्स. बिल्कुल सही. सिग्नल और वेट जो है
उस पे फोकस करना है सबसे पहले। सबसे पहले किस पे फोकस करो, सिग्नल और वेट पर। देखो कहाँ कहाँ पे सिग्नल लिखा है और कहाँ कहाँ पे वेट लिखा है। अब मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ, देखो ये कुछ चीजें कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोड समझना समझा देता है कोई भी, लेकिन समझने का दिमाग में थिंकिंग कैसे डेवलप करे वो कोई नहीं सिखाता है आपको। मैं वो चीज डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आपको सॉल्यूशन सब समझा देंगे कि ये कोड क्या कर रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कैसे सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये थिंकिंग डेवलप करना है। तो सबसे पहले वेट और सिग्नल पे फोकस करो, सबसे पहले वेट और सिग्नल पे देखो। तो देखो यहाँ पर वेट जो है वो म्यूटेक्स पे लगा है, तो इसका मतलब कि म्यूटेक्स नाम का एक सेमाफोर है। फिर ये भी ये लगा है आर डब्ल्यू म्यूटेक्स पर, मतलब कि आर डब्ल्यू म्यूटेक्स नाम का एक सेमाफोर है, आर डब्ल्यू म्यूटेक्स नाम का एक सेमाफोर है। फिर ये भी म्यूटेक्स है, ये तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये भी म्यूटेक्स है, ये आर डब्ल्यू म्यूटेक्स है, ये म्यूटेक्स है, ये आर डब्ल्यू म्यूटेक्स है और आर डब्ल्यू म्यूटेक्स, मतलब कि कुल मिलाकर जितने भी वेट और सिग्नल है वो इन दो सेमाफोर्स पे वर्क कर रहे हैं। तो ये दो सेमाफोर्स बनाए हैं। सेमाफोर क्या होता है, कुछ नहीं होता, इंटीजर वेरिएबल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सेमाफोर्स क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात, जब हमें कोड को समझना है तो हम इनको जीरो या वन से इनिशलाइज करते हैं, ठीक है ना। आपको जब कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप इसको जीरो या वन किसी से भी इनिशलाइज कर दो, ठीक है। और अब देखो दूसरी चीज, अब क्या देखना है, अब आप पहले पहले वाले सेमाफोर को समझो कि पहला वाला सेमाफोर क्यों बनाया है, ठीक है ना। अब हम ऐसे समझते हैं, पहले हमने ये पहचान लिया कि कौन कौन से सेमाफोर्स हैं। अब ये देखो कि म्यूटेक्स सेमाफोर क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ भी चीज हम बनाई जाती है ना तो उसका एक कारण होता है। तो पहले हम समझे कि म्यूटेक्स सेमाफोर क्यों बनाया है, तो हम देखें म्यूटेक्स पे कौन कौन सा काम कर रहा है। म्यूटेक्स पे ये काम कर रहा है और ये वाला काम कर रहा है, ये वेट और सिग्नल जो है ये म्यूटेक्स पे चलने वाले हैं। आर डब्ल्यू म्यूटेक्स को अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ म्यूटेक्स को देख रहे हैं। तो ये वाला सेमाफोर के लिए ये वेट है, और जब ये वेट खत्म हो जाएगा तो ये सिग्नल करेगा, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटिव है। ऑब्वियसली वेट होता है उसके बाद सिग्नल होता है ना, जैसे कि जूता होता है और मोजा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वेट होता है और सिग्नल होता है। तो पहले वेट होगा फिर सिग्नल होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटिव है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला जो वेट है ये भी म्यूटेक्स पे चल रहा है, और ये वाला जो सिग्नल है ये म्यूटेक्स पे चल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटिव है, ये वेट है और उसका ये सिग्नल है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। यहां पर कहीं पर भी हमने म्यूटेक्स नहीं देख रहे, मतलब म्यूटेक्स जो है वो सिर्फ रीडर के लिए है, राइटर के लिए हम म्यूटेक्स नहीं यूज कर रहे। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो म्यूटेक्स है वो सिर्फ रीडर के लिए है, वो सिर्फ किसके लिए है, रीडर के लिए है। अच्छा, तो रीडर में ऐसी क्या चीज हो रही है जिसके के लिए हमने म्यूटेक्स बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि वेट से पहले और सिग्नल के वेट के बाद और सिग्नल के पहले की चीज जो है वो क्या होगी, क्रिटिकल सेक्शन। क्योंकि हमने मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हम पहले लिखते हैं वेट, उसके बाद होता है क्रिटिकल सेक्शन और उसके बाद होता है सिग्नल। एम आई राइट, है ना। मतलब कि वेट और सिग्नल के बीच में जो होता है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर वेट हो रहा है, यहाँ पर सिग्नल हो रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो है वो क्रिटिकल सेक्शन है। उसी तरह से यहाँ पर वेट हो रहा है और यहाँ पर सिग्नल हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो है वो क्रिटिकल सेक्शन है। बिल्कुल क्रिटिकल सेक्शन एक से ज्यादा बार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो म्यूटेक्स वेरिएबल है वो इस वाले क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने के लिए है, ठीक है। अब हम देखें कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है। तो यहां पर देखो, यहां पर हो रहा है रीड काउंट प्लस प्लस, यहां पर हो रहा है रीड काउंट माइनस माइनस। अच्छा, तो ये रीड काउंट है जो दोनों में कॉमन होने वाला है, रीडर में भी हो सकता है, राइटर में भी हो सकता है, ऑब्वियसली रीडर में ही होगा। तो रीडर मतलब कि रीड काउंट, तो रीड काउंट नाम का वेरिएबल जो है वो प्लस प्लस और माइनस माइनस हो रहा है, और वो एक साथ हो पाए, बीच में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काउंट प्लस प्लस और काउंट माइनस माइनस में बीच में जो है प्रॉब्लम हो सकती है अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक साथ अपडेट करने के लिए आ गई। तो यहां पर ये जो म्यूटेक्स बनाया गया है ये किसको हैंडल करने के लिए बनाया है, ये जो म्यूटेक्स बनाया है ये रीड काउंट को हैंडल करने के लिए बनाया है। मतलब इस म्यूटेक्स सेमाफोर का और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ रीड काउंट सही से हो सके इसलिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोसेस आती जाएगी वो रीड काउंट प्लस प्लस करते जाएगी, और जब रीड काउंट बराबर वन होगा तभी ये वाला कोड चलेगा, वेट रीड राइट म्यूटेक्स वाला, आर डब्ल्यू म्यूटेक्स वाला, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि म्यूटेक्स क्या करने वाला है, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ बात।
ठीक है, यहां तक की सारी बात क्लियर है ना, कि म्यूटेक्स जो सेमाफोर है वो किसके लिए बनाया गया है, रीड काउंट के लिए। अब हम ये सोचे कि क्या होने वाला है, ये तो रीडर चलाने वाले हैं, मतलब रीड करने के लिए आने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, म्यूटेक्स को किसी एक नंबर से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, म्यूटेक्स को किसी एक नंबर से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट से म्यूटेक्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया वन से, तो अब क्या होगा, म्यूटेक्स को क्योंकि हमने वन से इनिशियलाइज कर दिया तो वेट क्या करता है, वेट म्यूटेक्स को माइनस माइनस कर देगा, तो म्यूटेक्स हो जाएगा जीरो। और रीड काउंट मान लो हो जाएगा, रीड काउंट पहले जीरो था, मान लो जीरो था, वो प्लस प्लस होके वन हो जाएगा, ठीक है। विकी क्या समझ में नहीं आया बोलो, एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूं, है ना, जिसको भी समझ में नहीं आया हो एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूं। देखो सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है, सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि कितने सेमाफोर्स यूज में आ रहे हैं। तो हमने देखा कि दो सेमाफोर्स यूज में आ रहे हैं, म्यूटेक्स एंड आर डब्ल्यू म्यूटेक्स, ये दो सेमाफोर्स हमने यूज में आ रहे हैं। फिर अब हमें देखना है कि पहला सेमाफोर हमने क्यों बनाया, तो मैंने ये जो हाईलाइटेड किया है यहाँ, यहाँ पर हमारा म्यूटेक्स सेमाफोर यूज हो रहा है। अब वेट और सिग्नल के बीच में जो होता है वो क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो यहाँ पर ये वेट है और ये सिग्नल है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब ये वेट होगा तो वेट करना पड़ेगा प्रोसेस को, क्रिटिकल सेक्शन चलेगा, फिर सिग्नल होगा, फिर दोबारा से वेट होगा, क्रिटिकल सेक्शन चलेगा और सिग्नल होगा। इस वेट और सिग्नल के बीच में क्या चीज हो सकती है जो क्रिटिकल सेक्शन हो, रीड काउंट, रीड काउंट प्लस प्लस। ऑब्वियसली हमें पता है कि रीड काउंट प्लस प्लस जब होता है तो इंटरनली इसमें तीन स्टेटमेंट चलती है, कि रीड काउंट की वैल्यू पहले रजिस्टर में साइन होगी, रजिस्टर की वैल्यू फिर अपडेट होगी, और फिर रजिस्टर की वैल्यू दोबारा से रीड काउंट में आएगी। तो अगर हमने रीड काउंट प्लस प्लस लिखे या रीड काउंट माइनस माइनस लिखे, इंटरनली ये तीन लाइन का कोड है, तो हम चाह रहे हैं कि ये तीन लाइन का कोड एक साथ चले, बीच में कोई इंटरप्शन ना आए, ठीक है, इसलिए हमने ये म्यूटेक्स लगाया है। तो ये जो म्यूटेक्स नाम का सेमाफोर लगाया है, ये इसलिए लगाया है ताकि रीड काउंट जो है वो एक बार में एक ही बात हो, एक से ज्यादा बार बीच में कोई करप्ट ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स को मान लो मैंने वन से असाइन कर दिया, तो वेट क्या करता है, वेट करता है डिक्रीमेंट और सिग्नल करता है इंक्रीमेंट। तो वेट क्या करेगा, म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट करेगा, तो वन से हो जाएगा जीरो। और रीड काउंट हमने मान लिया जीरो है, रीड काउंट जीरो मतलब कि एक भी प्रोसेस जो है वो रीड नहीं कर रही है। अब प्लस प्लस कर दिया मतलब ये हो गया वन, तो रीड काउंट जैसे ही वन हो जाएगा, रीड काउंट जैसे ही वन हो जाएगा तो आर डब्ल्यू म्यूटेक्स जो है उसको वेट करना पड़ेगा। तो आर डब्ल्यू म्यूटेक्स में मान लो वन था, अब ये हो जाएगा जीरो, आर डब्ल्यू म्यूटेक्स वेट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई रीडर प्रोसेस जो राइटर है वो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक भी रीडर चला गया, फर्स्ट रीडर अगर एक भी रीडर चला गया तो सारे जितने भी राइटर हैं वो वेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वेट करा रहे हैं आर डब्ल्यू म्यूटेक्स को, इसका मतलब ये है कि अब राइटर को वेट करना पड़ेगा। देखो क्योंकि ये आर डब्ल्यू म्यूटेक्स हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आर डब्ल्यू म्यूटेक्स हम राइटर के लिए यूज कर रहे हैं, तो राइटर अब जो है वो वेट करेगा। यहां से अगर वेट हो गया तो अब आर डब्ल्यू जो है राइटर जो है वो वेट करेगा। अब जैसे ही रीड काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो ये सिग्नल हो जाएगा म्यूटेक्स, सिग्नल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नल हो गया मतलब कि म्यूटेक्स वन हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा रीडर एंटर कर सकते हैं, रीडर को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साथ अगर एक से ज्यादा रीडर आ भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही सिग्नल मिल गया और एक प्रोसेस P1 जो है वो रीडिंग करने के लिए आ गई, अभी ये बाहर नहीं निकली है, अभी ये रीडिंग कर रही है, और दूसरी प्रोसेस अगर एंटर करना चाहेगी तो उसको फिर से म्यूटेक्स मिल गया वन। अब उसको क्योंकि फिर से म्यूटेक्स वन मिल गया तो वो फिर से वो भी एंटर कर जाएगी, और म्यूटेक्स सिर्फ उतनी देर के लिए वेट करेगा जब तक रीड काउंट प्लस प्लस नहीं हो रहा, तो रीड काउंट प्लस प्लस होके हो जाएगा टू, इसका मतलब दो प्रोसेस आ गई और उसने कर दिया सिग्नल, सिग्नल कर दिया तो म्यूटेक्स फिर से वन हो गया और P2 प्रोसेस भी रीडिंग करने के लिए आ गई। इसका मतलब कि एक से ज्यादा प्रोसेस रीडिंग कर पा रही है, ये बात क्लियर हुई, इतना कोड समझ में आया कि यहां पर क्या हो रहा है, रीडर वाले कोड में एक से ज्यादा प्रोसेसेस रीड करने के लिए आ सकती है। और अब जब प्रोसेस रीड करके बाहर निकलेगी, तो फिर से अब उसको रीड काउंट माइनस माइनस करना है, क्योंकि रीड काउंट क्या बता रहा है, रीड काउंट ये बता रहा है कि कितनी प्रोसेस रीडिंग कर रही है। तो रीड काउंट टू है मतलब दो प्रोसेस रीड कर रही है,
अब जब P1 प्रोसेस जा रही होगी तो रीड काउंट को माइनस माइनस करना चाह रही है, लेकिन माइनस माइनस करने से पहले वो वेट करेगी म्यूटेक्स पे, ताकि रीड काउंट एक ही प्रोसेस एक बार में अपडेट कर सके। तो पहले वो म्यूटेक्स को करेगी जीरो और फिर रीड काउंट को करेगी माइनस माइनस मतलब वन, और फिर अभी इसको इफ वाली कंडीशन को भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए इफ वाली कंडीशन को आप भूल जाओ, बिना इफ वाली कंडीशन को देखकर कोड पढ़ो, और उसके बाद वो कर देगी सिग्नल, सिग्नल कर देगा तो फिर से म्यूटेक्स हो जाएगा वन। मतलब म्यूटेक्स सिर्फ उतनी देर के लिए वेट करवा रहा है जितनी देर पे रीड काउंट प्लस प्लस हो रहा है या फिर रीड काउंट माइनस माइनस हो रहा है, और रीड काउंट क्या बता रहा है कि कितनी प्रोसेसेस वेट कर रही है, ठीक है ना, कितनी प्रोसेस जो है वो रीडिंग कर रही है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस निकल गई, मतलब रीड काउंट वन हो गया, मतलब सिर्फ एक ही प्रोसेस है P2 जो कि रीडिंग कर रही है, ठीक है। अभी अब आगे चलते हैं, अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रीड काउंट वन इक्वल टू, अगर वन है तो यहां पर अब हम वेट कर रहे हैं। अब हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, अब हम फोकस करेंगे दूसरे वाले सेमाफोर पे जो कि है RW म्यूटेक्स। तो RW म्यूटेक्स यहां पर है जिस पे वेट हो रहा है, और RW म्यूटेक्स यहां पर है जहां पर सिग्नल हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक जो है अब दूसरे वाले सेमाफोर है, दूसरे वाले सेमाफोर के लिए ये वाला पोर्शन जो है वो क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। तो अब ये वाला जो म्यूटेक्स हम बना रहे हैं RW म्यूटेक्स, ये वाला जो सेमाफोर है ये किसके लिए है, ये राइटर के लिए भी यूज हो रहा है। मतलब कि अगर रीड काउंट बराबर वन हो गया, रीड काउंट बराबर वन मतलब हो गया इसका मतलब कि एक प्रोसेस जो है वो रीडिंग कर रही है। अब एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक प्रोसेस जो है वो तो है ही। तो अगर एक भी प्रोसेस अगर रीडिंग करने के लिए चले गई तो यहां पर अब ये RW म्यूटेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, RW म्यूटेक्स मान लो शुरू में वन था, जैसे ही रीड काउंट वन हुआ, मतलब कि जैसे ही एक प्रोसेस रीडिंग करने के लिए गई, हमने क्या किया, RW म्यूटेक्स को कर दिया जीरो। मतलब कि अब जितने भी राइटर आएंगे, पैरेलली सोचना कि ये कोड भी चल रहा है और ये कोड भी चल रहा है, अब कोई भी राइटर आएगा तो वो देखेगा कि RW म्यूटेक्स की वैल्यू जीरो है, तो वो उसको वेट करेगा। अब वो राइटिंग के लिए नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां पर हमने उसको वेट करवा दिया है, रीडर के कोड में रीडर ने उसको वेट करवा दिया है, किसको, राइटर को। तो अगर राइटर एंटर करना भी चाहेगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक रीड काउंट वन हो चुका है, मतलब एक प्रोसेस जो है वो रीडिंग करने के लिए जा चुकी है। जब प्रोसेस अपना रीडिंग करके बाहर निकलेगी और एक एक करके सारी प्रोसेस निकलती जाएगी, तो रीड काउंट मान लो हो चुका है 10, अब एक एक करके सारी प्रोसेस रीडिंग करके बाहर निकलेगी, 10 के बाद 9 हो जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब सारी प्रोसेसेस रीडिंग करके बाहर निकल जाएंगी तब रीड काउंट हो जाएगा जीरो। अब क्योंकि सारी रीडर का काम खत्म हो गया है, तब हम सिग्नल करेंगे RW म्यूटेक्स को। मतलब जब सारी रीडर का काम खत्म हो जाएगा, फर्स्ट रीडर वाला सोचो, तो सारे रीडर अपना काम करके निकल गए और यहां पर म्यूटेक्स हो गया वन, और तब जाके ये वाला वेट खत्म होगा और एक राइटर अंदर जा पाएगा, और एक राइटर अंदर जा पाएगा, ठीक है। अब जब राइटर अंदर जाएगा तो फिर से वो भी क्या कर देगा, वेट करवा देगा, मतलब वो भी इसको जीरो कर देगा। मतलब राइटर तो जाएगा लेकिन अब वो दूसरे राइटर को एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि इसने भी क्या किया, इसने भी इसको जीरो कर दिया। तो अब एक राइटर तो अंदर चला गया राइटिंग करने के लिए, लेकिन दूसरा राइटर अगर वो आएगा तो वो अब यहां पर वेट करेगा। मतलब एट ए टाइम एक ही राइटर अंदर जा सकता है, और जब राइटर अपना काम करके बाहर निकलेगा तो वो इसको कर देगा सिग्नल और ये हो जाएगा वन, तभी दूसरा राइटर एंटर कर पाएगा। तो आई बात समझ पे, कोड कितना सिंपल है कि ये इतना अच्छा कोड है कि एक से ज्यादा रीडर रीड कर पा रहे हैं और राइटर को वो वेट करवा रहा है, अगर एक भी रीडर अंदर चला गया तो, क्योंकि अगर रीड काउंट वन हो गया मतलब एक रीडर अंदर चला गया तो अब राइटर वेट करेगा, जब रीड काउंट जीरो हो जाएगा मतलब सारे रीडर बाहर निकल गए, तब यहां पर राइटर चलेगा, राइटर लेकिन एक ही चलेगा। और इसलिए हमने दो सेमाफोर यूज करे हैं, दो सेमाफोर। म्यूटेक्स सेमाफोर क्यों यूज किया है, म्यूटेक्स सेमाफोर हमने इसलिए यूज किया है ताकि ये रीड काउंट को हैंडल कर पाए, और RW म्यूटेक्स हमने क्यों किया है, ताकि राइटर को वेट करा पाए। अब आया कोड समझ में कि क्यों हमने दो सेमाफोर्स लिए, तो आपको मैंने समझना सिखाया है कि कैसे आप समझोगे, शुरुआत कहां से करोगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको 100% ना आया, लेकिन अगर आपको 50% भी समझ में आ गया है ना, तो जब आप इसको दोबारा से सुनोगे तो 100% समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि आप कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कोड समझ में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपको कोड आएगा
आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने सेमाफोर्स हैं, फिर ये देखना पड़ेगा कि ये सेमाफोर का काम क्या है, और फिर कोड को समझ पाओ। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? क्लियर है तो हम डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पे जाएं। जल्दी बोलो। बिल्कुल, दोबारा एक बार तो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं क्विक ओवरव्यू एक बार और दे देता हूं, है ना, फिर भी मैं छोटा सा क्विक ओवरव्यू एक मिनट का और दे देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट रीडर। फर्स्ट रीडर मतलब कि पहले हम रीडर को भेज दें, राइटर को वेट कराए, या फिर रीडर राइटर को भेज दें, रीडर को वेट कराए, ठीक है। तो हमारा कोड क्या कर रहा है, आप सोचो कि ये वाला कोड भी चल रहा है और ये वाला कोड एक साथ चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर रीडर और राइटर दोनों जो है, ये रीडर का कोड है, ये राइटर का कोड है। अब यहां पर हमने दो म्यूटेक्स, दो सेमाफोर्स लिए हैं, एक म्यूटेक्स लिया है और एक RW म्यूटेक्स लिया है, और एक रीड काउंट लिया है। ये तीन चीजें हमने ली हैं, ठीक है। रीड काउंट अभी जीरो है। रीड काउंट क्या बताएगा कि कितनी प्रोसेस जो है वो रीडिंग कर रही है। म्यूटेक्स को अभी हम बंद कर देते हैं और RW म्यूटेक्स को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में रीडिंग करने के लिए। कोई रीडर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कोई भी नहीं है। वन वन है, मतलब कि अभी सब खुला है, सारे दरवाजे खुले हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि, अब सोचो कि राइटर पहले जा रहा है, ठीक है ना। अभी हमने पहले क्या किया था, अब हमने रीडर को पहले भेजा था, अब राइटर को पहले भेज के देख देते हैं। चलो, अगर राइटर पहले जाएगा, राइटर पहले जाएगा तो वो क्या करेगा, RW म्यूटेक्स मतलब कि इसको वेट को वन, वेट मतलब डिक्रीमेंट और सिग्नल मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है ना। वेट, वेट मतलब डिक्रीमेंट, सिग्नल मतलब इंक्रीमेंट, और अगर जीरो हो जाएगा तो वो रोक के रखेगा। तो वेट RW म्यूटेक्स क्या करेगा कि RW म्यूटेक्स को कर देगा जीरो। इसका मतलब कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी, और अगर अब दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आने की कोशिश करेगी तो वो देखेगा कि RW जीरो है, तो वो यहां पर वेट करेगा। फिर जब राइटिंग ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस राइट करने के लिए जा पा रही है, दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब राइटर जब बाहर निकलेगा अपना काम करके तो वो सिग्नल कर देगा, सिग्नल कर देगा मतलब इसको इंक्रीमेंट करके वन कर देगा। तो जैसे ही एक राइटर बाहर निकलेगा तब जाके दूसरे को एंट्री मिल पाएगी। ये बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब कि रीडर का कोड, राइटर का कोड बहुत सिंपल है। राइटर मतलब क्या कर रहा है, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए दे रहा है, रीडिंग करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं रीडर पे। रीडर क्या करेगा, रीडर जो है म्यूटेक्स पे पहले वेट करवाएगा, म्यूटेक्स पे पहले वेट करवाएगा, तो यहाँ पर म्यूटेक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ये म्यूटेक्स क्यों है, ताकि रीड काउंट जो है एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जो है वो रीड काउंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सके। इसलिए है, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर रीड काउंट लिखा है प्लस प्लस, हमने रीड काउंट को कर दिया जीरो से लेकर वन। अभी इसको इफ वाली कंडीशन को भूल जाओ, अभी इस वाली इफ वाली कंडीशन को भूल जाओ, और रीड काउंट जब हो जाएगा उसके बाद सिग्नल करेगा। ये सिग्नल कर देगा मतलब इसको कर दिया वन। तो सिग्नल कर दिया, इसका मतलब कि P1 प्रोसेस अब इसके जैसे ही बाहर निकलेगी तो P2 प्रोसेस एंटर कर सकती है। सिग्नल जैसे ही हो गया ना, इसका मतलब ये है कि दूसरी प्रोसेस को आने को मौका मिल गया, तो P1 प्रोसेस चले गई रीडिंग करने के लिए। P1 प्रोसेस कहाँ चले गई, P1 प्रोसेस चले गई रीडिंग करने के लिए, और अब P2 प्रोसेस आ गई, और P2 प्रोसेस ने देखा कि म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि वो भी आ गई, और उसने भी रीड काउंट को कर दिया इंक्रीमेंट मतलब 2 कर दिया, और वो भी अब सिग्नल कर दिया, तो P2 भी क्रिटिकल सेक्शन ये रीडिंग करने के लिए आ गई, और P3 भी आना चाह रही है। अब P3 देखेगी कि फिर से म्यूटेक्स 1 है, वो भी अंदर आएगी, म्यूटेक्स को कर देगी 0, ताकि जितनी देर वो रीड प्लस प्लस कर रही है तब तक कोई बीच में ना आए, रीड काउंट को वो कर देगी इंक्रीमेंट करके 3, और फिर वो भी आ जाएगी क्या, सिग्नल कर देगी, सिग्नल कर देगी मतलब बंद कर देगी, और P3 भी आ जाएगी रीडिंग करने के लिए। मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस जो है रीड करने के लिए आती जा रही है, आती जा रही है, और रीड काउंट प्लस प्लस होता जा रहा है, ठीक है। अब हम इफ वाली कंडीशन को देखते हैं। अब इफ वाली कंडीशन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक एक करके कोड को समझना पड़ता है। इफ वाली कंडीशन क्या कर रही थी, जब पहली बार रीड काउंट 1 हुआ था सिर्फ तभी ये वाला कोड चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही रीड काउंट 1 हुआ उसने RW को वेट करा दिया, RW को वेट करा दिया मतलब इसको कर दिया 0। तो एक भी प्रोसेस अगर चले गई रीड करने के लिए,
इसका मतलब अब राइटर को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आर डब्ल्यू म्यूटेक्स कहाँ पे यूज हो रहा है, राइटर के पास। तो इसका मतलब ये है कि रीड काउंट की वैल्यू जैसे ही बन हो जाएगी तो ये इसको वेट करवा देगा। मतलब अगर एक भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में गई तो राइटर करेगा वेट। अब सारी प्रोसेसेस आ गई हैं क्रिटिकल सेक्शन में रीडिंग करने के लिए, अब एक एक करके ये बाहर निकलेगी, एक एक करके बाहर निकलेगी और रीड काउंट को माइनस माइनस करते जाएगी। ऑब्वियसली पहले वेट कराएगी, उसके बाद सिग्नल कराएगी। क्यों? क्योंकि रीड काउंट जब जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उस दौरान बीच में कोई दूसरी प्रोसेस ना आ जाए, इसलिए ये म्यूटेक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रीड काउंट माइनस होता जाएगा, तो रीड काउंट 3 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 1 और 1 से हो जाएगा 0 और P1, P2, P3 तीनों प्रोसेस जो है वो बाहर निकल जाएगी। और जब रीड काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब अब कोई भी रीडर नहीं है, तो ये म्यूटेक्स कर दे सिग्नल कर देगा रीडर वाले को, रीडर वाले को सिग्नल कर देगा, तो अब जो है राइटर अंदर आ पाएगा। अब आया समझ में? अब आई होप 50% से ज्यादा समझ में आ गया हो। ठीक है, हाँ। रीड काउंट अगर वेट वन हो गया, रीड काउंट वन हो गया इसका मतलब क्या है, रीड काउंट अगर वन हो गया इसका मतलब कि कम से कम एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रीडिंग करने के लिए आ चुकी है। तो इसका मतलब आर डब्ल्यू पे म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स पे नहीं है वेट, आर डब्ल्यू पे वेट है। आर डब्ल्यू पे वेट है मतलब कि आर डब्ल्यू की वैल्यू जो है, आर डब्ल्यू की वैल्यू, आर डब्ल्यू म्यूटेक्स की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब इस पे कोई भी वेट करना, कोई भी अगर एंटर करना चाहेगा राइटर, तो उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद आर डब्ल्यू की वैल्यू, रीड काउंट की वैल्यू 2-3 हो गई तब ये नहीं चलेगा, लेकिन 1 के लिए चलेगा। और एक, और 1 क्या बता रहा है, 1 ये बता रहा है कि एक भी प्रोसेस अगर एंटर कर गई तो उसको वेट करना पड़ेगा। आएगा समझ में? अब हम आते हैं कहां पे, अब हम आते हैं हमारी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पे। बहुत फेमस प्रॉब्लम है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझ में आया। आई होप आप लोगों ने सर्कुलर क्यू का वीडियो देख लिया होगा। सर्कुलर क्यू का वीडियो देखने के बाद इसके लिए आप और अच्छे से सोच पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी सर्कुलर ऑर्डर में बैठे। अब पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। ये क्या है, ये एक 5 फिलोसोफर है जो बैठे हुए हैं, 1 फिलोसोफर, 2 फिलोसोफर, 3, 4, 5। और फिलोसोफर क्या करते हैं, फिलोसोफर लोग क्या करते हैं, वो कुछ चीज सोचते हैं। फिलोसोफर लोगों का सबसे बढ़िया काम यही होता है कि वो सोचते ज्यादा है और फिर उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ बात अपनी बताते हैं, ठीक है ना। तो अब या तो फिलोसोफर सोचेगा या तो वो कुछ खाना खाएगा, है ना। जब वो खाना खाएगा तब वो सोचेगा नहीं, और जब वो सोचेगा तब वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये है कि 5 फिलोसोफर बैठे हुए हैं और वो खाना खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इंडिया में तो इस तरह से लोग नहीं खाते, इंडिया में तो सब लोग एक ही स्पून से खा लेते हैं, है ना। लेकिन ये एडवांस लोग हैं तो इनको खाने के लिए 2 चम्मच चाहिए होती है ना, ये दोनों हाथ से खाते हैं, दोनों हाथ से चम्मच लेते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो जब तक इस फिलोसोफर के पास ये वाली स्पून और ये वाली स्पून दोनों नहीं आ जाएगी तब तक ये खाना नहीं खा पाएगा। और स्पून कितनी है, स्पून भी 5 है, देखो 1 स्पून, 2 स्पून, 3, 4, 5। इसका मतलब 5 एक साथ नहीं खा सकते, है ना। तो यहां पर क्या है कि जब तक इस वाले फिलोसोफर के पास 4th वाली स्पून और 5th वाली स्पून नहीं आएगी तब तक ये खाना नहीं खाएगा। और जब ये 4 या 5 वाली स्पून को खाना खा रहा होगा तब तक इसको और इसको खाने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इसकी जो स्पून है वो इसने लेके रखी हुई है। तो ये जो स्पून है ये एक तरीके का रिसोर्स है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आप ये सोचो कि जब मान लो कि मैं इसको नंबरिंग दे दूं 1, 2, 3, 4, 5, किसको, स्पून को, ठीक है। तो इस वाले इस फिलोसोफर को कब खाने को मिलेगा, इस वाले इस फिलोसोफर को तब खाने को मिलेगा जब 1 और 2 दोनों मिल जाए, जब 1 और 2 दोनों अवेलेबल हो। इसको कब खाने को मिलेगा, जब 2 और 3 दोनों अवेलेबल हो, 2 वाली और 3 वाली, लेफ्ट वाली और राइट वाली स्पून। इसको कब खाने को मिलेगा, जब 3 वाली और 4 वाली स्पून अवेलेबल हो। इसको कब खाने को मिलेगा, जब 4 वाली और 5 वाली स्पून अवेलेबल हो। और इसको कब खाने को मिलेगा, जब 1 वाली और 5 वाली अवेलेबल हो। ये बात आई समझ में, ये वाली बात आई समझ में सबको, इतने तो क्लियर होगा, ठीक है। अब ऐसा कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करोगे कि आई वाला और आई प्लस 1 अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको खाने को दोगे। इसको हम बोलेंगे चॉपस्टिक, ठीक है। तो ये आपके पास 5 चॉपस्टिक है, तो अगर आई की वैल्यू
अगर मान लो आई की वैल्यू वन है, ठीक है ना, आई की वैल्यू वन है तो आई और आई प्लस वन अवेलेबल होना चाहिए, वन और टू, टू और थ्री, थ्री और फोर, फोर और फाइव, लेकिन यहां पर क्या हो गया, वन और फाइव। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर साइक्लिक ऑर्डर है, फाइव के बाद वन आ रहा है, तो इसलिए आपको यहां पर मॉड्यूलो लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर आप, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा मॉड्यूलो फाइव, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा मॉड्यूलो फाइव। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मॉड्यूलो का, क्या कि जब भी हमें साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करना है, और अगर मान लो कि वन टू थ्री फोर फाइव है और मैं चाह रहा हूं कि फाइव के बाद दोबारा से जीरो आ जाए, तो हम लिखते हैं आई मॉड्यूलो फाइव, ठीक है ना। अगर मान लो कि ऐसा सर्कुलर ऑर्डर में है, जीरो से स्टार्ट हो, तो जीरो वन टू थ्री फोर, आप चाह रहे हो कि फोर के बाद जीरो आए और टोटल पांच लोग बैठे, तो आप करोगे मॉड्यूलो फाइव, ताकि फाइव मॉड्यूलो फाइव हो जाएगा जीरो। लेकिन हमारा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई प्लस वन, तो जीरो प्लस वन अपने आप वन आ जाएगा, तो फाइव के बाद वन आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो सर्क्यूलर क्यूब को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर मॉड्यूलो करेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि अगर किसी भी फिलोसफर को खाना है तो वो ये चेक करेगा कि चॉपस्टिक आई और चॉपस्टिक आई प्लस वन मॉड्यूलो फाइव अगर अवेलेबल है तो वो खाना खा सकता है, नहीं तो वो वेट करेगा। तो अब इसका मतलब कि हमारा जो आई नाम का वेरिएबल है, आप इसको मान लो कि सेमाफोर है, ठीक है, बल्कि सेमाफोर का क्यू बना लो, है ना, सेमाफोर का क्यू बना लो कि जो हमारे ये जो चॉपस्टिक है ये क्या है, ये सारे सेमाफोर से। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, ये होगा इसका सॉल्यूशन कि आप एक एरे बना दोगे पांच साइज का, क्योंकि आपके पास फाइव चॉपस्टिक है, ठीक है, तो आप एरे बना दोगे जीरो वन टू, ठीक है ना, जीरो वन टू थ्री और फोर, तो ये आपके पास फाइव चॉपस्टिक है, इसका आप एरे बना दोगे। अगर चॉपस्टिक अवेलेबल होगी तो इसके अंदर वन होगा, और अगर चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं होगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आप समझ लो कि ये सेमाफोर्स है, ठीक है ना, इसको हमने बना दिया सेमाफोर, तो आप मान लो कि ये सेमाफोर्स है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप वेट करोगे कि चॉपस्टिक आई अगर अवेलेबल है तो आप इसको वेट कर दोगे कि मतलब कि आपने वो चॉपस्टिक उठा ली, तो मान लो आई की वैल्यू मान लो है जीरो, आई की वैल्यू मान लो जीरो है, तो वेट चॉपस्टिक जीरो मतलब यहां पर वन, तो ये वन है, तो आपने इसको उठा के जीरो कर दिया, मतलब जैसे ही वन से जीरो हो गया, मतलब कि आपने वो वाली चॉपस्टिक उठा ली, और फिर आप आई प्लस वन के लिए वेट कर रहे हो, मॉड्यूलो फाइव को अभी भूल जाओ, आई प्लस वन वाले को चेक कर रहे हो, तो आई प्लस वन मतलब कि आई की वैल्यू जीरो है, आई प्लस वन मतलब वन, अगर ये अवेलेबल है तो इसको भी आप उठा लोगे, इसको भी कर दोगे जीरो, और दोनों वेट हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों ने उठा लिया, और अब वो वाला खाने लग जाएगा फिलोसफर, क्योंकि उसके पास दोनों स्पून आ चुकी है। अब क्योंकि उसके पास दोनों स्पून आ चुकी है, तो अब दूसरा किसी को अगर ये चॉपस्टिक जीरो और वन चाहिएगी तो उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वेट लगा दिया। जब इसका खाने का काम खत्म हो जाएगा तो इसको ये सिग्नल कर देगा, मतलब इसको ये जीरो से बंद कर देगा और जीरो से बंद कर देगा, ताकि कोई दूसरा इसको खा सके। आई बात समझ में? तो ये कोड तो बहुत सिंपल है देखने में, है ना, ये कोड में तो कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं, इसको कोड को समझना बहुत आसान है। अगर आपने सर्क्यूलर क्यू पढ़ा है तो इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये आप समझ लो कि ये राइट हैंड की स्पून है और ये लेफ्ट हैंड की स्पून है। तो जब भी आप किसी को स्पून को उठाओगे, उसको वन से कर दोगे जीरो, मतलब अब ये मैंने उठा ली है, ये आप नहीं ले सकते। तो जब लेफ्ट राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली दोनों स्पून मिल जाएगी, तभी वो अपना ईटिंग करेगा, और जब अपना वो खाने का खत्म कर लेगा तो वो दोनों को सिग्नल कर देगा। ये बात आई समझ में? इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले बताओ कि ये बात समझ में आ गई? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? क्लियर है ये? वेरी गुड। अब इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें ड्रॉबैक क्या है वो समझो। देखो, मान लो कि ये बैठे हुए थे सर्कुलर में, ठीक है ना, क्योंकि ये कोड तो सिंपल है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, कोड सिंपल है। अब देखो, ये लोग मान लो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर
एक साथ सारे लोग आ गए चॉपस्टिक उठाने के लिए, एक साथ सारे लोग आ गए, यहाँ पर डेडलॉक और स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, डेडलॉक एंड स्टारवेशन ये प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में। डेडलॉक भी आएगा और स्टारवेशन भी आएगा। डेडलॉक कब आएगा सोचो, डेडलॉक तब आएगा जब सब लोग एक एक स्पून उठा लोगे, ठीक है ना। मान लो कि फिलोसफर वन, फिलोसफर टू, फिलोसफर थ्री, फिलोसफर फोर और फिलोसफर फाइव सब एक साथ आ गए, ठीक है। अब स्पून वन भी अवेलेबल है, टू भी अवेलेबल है ना, स्पून वन टू थ्री फोर फाइव सारी अवेलेबल है, मतलब सबकी वैल्यू वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। सेमाफोर की वैल्यू या तो वन होगी या तो जीरो होगी, वन है मतलब अवेलेबल है। तो पी वन प्रोसेस आई, उसने चॉपस्टिक वन को देखा, चॉपस्टिक वन अवेलेबल थी, उसने उसको उठाया, इसको कर दिया जीरो। अब वो दूसरी चॉपस्टिक को चेक करने जाती, उससे पहले ही पी टू प्रोसेस आ गई, पी टू प्रोसेस आ गई और उसने अपनी चॉपस्टिक को देखा कि अवेलेबल है, उसने भी उठा के जीरो कर दिया। प्रोसेस थ्री ने भी अपनी चॉपस्टिक जीरो कर दिया, फोर ने भी जीरो कर दिया, फाइव ने भी जीरो कर दिया, मतलब सबने एक एक चॉपस्टिक उठा ली। अब सबने क्योंकि एक एक चॉपस्टिक उठा ली तो सब अब दूसरी चॉपस्टिक के लिए वेट कर रहे हैं। तो सारे के सारे पी वन पी टू पी थ्री पी फोर सब इस चॉपस्टिक आई प्लस वन के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन ये आई प्लस वन सिग्नल होगा तब तो वो चलेगा, सिग्नल तो होगा ही नहीं, क्योंकि सिग्नल कब होगा जब वो खाना खा लेंगे, और खाने को मिलेगा नहीं जब तक दूसरी चम्मच नहीं मिलेगी। तो सबने एक एक चम्मच उठा ली और दूसरी चम्मच के लिए वेट कर रहे हैं, और कोई भी चम्मच रखने के लिए नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब तक हम ईट नहीं करेंगे तब तक हम सिग्नल नहीं करेंगे, मतलब जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हम चम्मच छोड़ेंगे नहीं। तो सबने चम्मच उठा ली एक एक और सब वेट कर रहे हैं दूसरे स्पून के लिए कि मुझे खाने को, मेरे को जब तक का दूसरी चम्मच नहीं मिल जाएगी, खाऊं जब तक मैं खा नहीं लूंगा तब तक मैं सिग्नल नहीं करूंगा, और सिग्नल जब तक नहीं करेंगे जब तक खाएंगे नहीं, और खाएंगे जब तक नहीं जब तक दूसरी चम्मच नहीं मिलेगी। इसलिए क्या हो गया, डेडलॉक। ये कहलाता है डेडलॉक, कि ना मैं खुद खाऊंगा ना दूसरे को खाने दूंगा। आई बात समझ में? यहां पर आ गया डेडलॉक। स्टारवेशन भी हो सकता है। स्टारवेशन कैसे हो सकता है, अब हम समझते हैं स्टारवेशन कैसे होगा। स्टारवेशन ऐसे होगा कि वन टू थ्री फोर और फाइव, मान लो कि टू फाइव और थ्री ये लोग खाना खाए जा रहे हैं, ठीक है ना। टू वाले ने क्या किया, चलो इसको और दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये बैठे हुए हैं, वन वाला, टू वाला, थ्री वाला, फोर वाला और फाइव वाला। अब वन वाला खा रहा है, अब वन वाला खा रहा है तो इसका मतलब कि टू को वेट करना पड़ेगा और फाइव को भी वेट करना पड़ेगा। उसी तरह से अब थ्री फोर वाला खाना चाह रहा है, मान लो कि फोर वाला खा रहा है, फोर वाले को क्या बोले, ठीक है। अब वन वाले ने जैसे ही रखा तो मान लो कि थ्री वाला खाने लग गया, तो वन और थ्री खाए जा रहे हैं। अब थ्री खाएगा तो टू टू को भी वेट करना पड़ेगा और फोर को भी वेट करना पड़ेगा, तो ये ऑल्टरनेट खाए जा रहे हैं। वन खा रहा है थ्री खा रहा है, वन खा रहा है थ्री खा रहा है, तो टू फोर फाइव वेट कर रहे जा रहे हैं, और टू फोर फाइव वेट इतने टाइम कर रहे हैं कि उनको कभी मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अगर वन और थ्री की प्रायोरिटी ज्यादा है मान लो, तो वन वाला खाएगा वो अपनी स्पून रख देगा, फिर थ्री वाला खाएगा वो अपनी स्पून रख देगा, फिर वन खाएगा थ्री खाएगा, तो यही दोनों खाए जा रहे हैं और इन तीनों लोगों को चम्मच मिल ही नहीं रही, और इन तीनों लोगों को चम्मच नहीं मिल रही तो इनके लिए इनडेफिनेट वेटिंग चले गई, मतलब स्टारवेशन क्रिएट हो गया। आई बात समझ में? डेडलॉक तब होता है जब कोई भी प्रोसेस नहीं चल पा रही। यहाँ पर प्रोसेस तो चल रही है लेकिन सारी प्रोसेस नहीं चल पा रही, तो बाकी सारी प्रोसेस क्या कर रही है, इनडेफिनेट वेटिंग कर रही है, इसलिए यहाँ पर स्टारवेशन क्रिएट। आई बात समझ में? तो इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, वो क्या, कि यहाँ पर डेडलॉक भी हो रहा है स्टारवेशन भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर किसी ने एक चम्मच उठाई और अगर उसको दूसरी चम्मच नहीं मिल रही है तो वो पहली वाली चम्मच को छोड़ दे ताकि दूसरा वाला उसको यूज कर सके, तो फिर आपका डेडलॉक और स्टारवेशन नहीं होगा। डेडलॉक तो नहीं होगा, स्टारवेशन तो हो सकता है, डेडलॉक नहीं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ने चम्मच उठाई और दूसरी वाली उसको चम्मच नहीं मिली तो वो पहली वाली चम्मच को भी नहीं छोड़ रहा है। अब क्या होगा, अगर किसी ने पहली चॉपस्टिक उठाई और अगर उसको दूसरी चॉपस्टिक नहीं मिल रही है तो वो पहली वाली को रिलीज कर दे, पहली वाली को छोड़ दे,
अब वो क्योंकि पहली वाली चॉपस्टिक को छोड़ देगा तो कोई दूसरा वाला उठा के उसको यूज कर पाएगा, तो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जब तक किसी को दोनों चॉपस्टिक नहीं मिल जाती तब तक वो खाएगा ही नहीं, मतलब कि पहले वाले के ही सिमिलर है कि अगर उसको दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल होगी तभी वो उठाएगा, अगर दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है तो वो एक को भी नहीं उठाएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? अब ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे डिस्कस। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो ये जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये सॉल्यूशन में डेडलॉक और स्टारवेशन है। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि इसको इस तरह से मॉडिफाई करो कि इसमें डेडलॉक वाली प्रॉब्लम ना हो। आप करके देखना, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कैसे होगा। यहां पर आप लगा दोगे एंड, इसको आप लगा दोगे एंड में, ठीक है, इफ इफ लिख दोगे और इसको एंड में लगा दोगे। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों जब तक अवेलेबल नहीं होगी तब तक आप वेट नहीं लगाओगे, और आप एक और सेमाफोर यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि इफ इफ अगर चॉप स्टिक है ना, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कि अगर चॉप स्टिक आई जो है वो भी अवेलेबल है, एंड अगर चॉप स्टिक आई प्लस वन ये भी अवेलेबल है, अगर दोनों अवेलेबल है तभी हम वेट करेंगे, तभी हम वेट करेंगे चॉपस्टिक आई पर भी और चॉपस्टिक आई प्लस वन पर भी। ठीक है ना, मतलब कि हम दोनों चॉपस्टिक तभी उठाएंगे जब दोनों अवेलेबल होंगे, अगर दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं उठाएंगे। ये इस तरीके का सॉल्यूशन अगर आप लिखोगे तो डेडलॉक नहीं आएगा, है ना, लेकिन स्टारवेशन तब भी आ सकता है। क्यों स्टारवेशन आ सकता है? क्योंकि ऐसा अभी भी हो सकता है कि एक प्रोसेस खाना खाए, तीसरी प्रोसेस खाना खाए और 2, 4, 5 वेट करे, इवन नंबर वाली खाना खाए ऑड नंबर वाली वेट करे, या फिर ऑड नंबर वाली खाना खाए इवन नंबर वाली वेट करे। उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप सर्क्यूलर ऑर्डर में सबको खाने के लिए दो, कि पहली प्रोसेस से पूछो खाना है क्या, नहीं खाना तो दूसरी वाली को मौका दो, नहीं खाना तीसरी वाली को मौका दो। तो एक एक करके सबको मौका दोगे तो स्टारवेशन नहीं आएगा। स्टारवेशन का सॉल्यूशन क्या है? बाउंडेड वेटिंग। अगर बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई हो जाएगा तो स्टारवेशन नहीं आएगा, क्योंकि बाउंडेड वेटिंग क्या बोलता है कि सारी प्रोसेस को लिमिट कर दो कि इससे ज्यादा वो नहीं चल सकती। मतलब कि अगर एक बार तुमने खा लिया है ना तो दोबारा से तुमको खाने को नहीं मिलेगा, एक बार तुमने खा लिया अगले वाले को मौका दो, अगले वाले ने खा लिया तीसरे वाले को मौका दो, तीसरे वाले ने खा लिया चौथे वाले को मौका दो, चौथे वाले ने खा लिया पांचवे वाले को मौका दो। तो एक एक करके सबको मौका दोगे तो स्टारवेशन नहीं क्रिएट होगा। तो बाउंडेड वेटिंग से स्टारवेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये चीज अगर समझ में आ गई आपकी आधी कहानी खत्म हो गई। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि स्टारवेशन को कैसे सॉल्व करें। स्टारवेशन को सॉल्व करने के लिए तो बाउंडेड वेटिंग है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलो, तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कल से हम लोग, वैसे तो मैं आज ही करवाने वाला था लेकिन कोई बात नहीं, हम आराम से धीरे धीरे आप लोग इसको डाइजेस्ट करो पहले, है ना, जो अभी तक मैंने पढ़ाया इस चीज को डाइजेस्ट करो, इसको एक एक सारे वीडियोस, जितने भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे वीडियोस थे वो सारे वीडियोस को फिर से एक बार देखो। मेरे कहने पर आपको समझ में आ गया है ना, फिर भी आप सारे सिंक्रोनाइजेशन वाले वीडियोस एक बार फिर से देखो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाएगी। और फिर जब आप एक्चुअल क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपसे देखना बनने लगेंगे। मैं आपसे डायरेक्ट गेट के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कोई टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। और ये मैं बता दूं कि सिंक्रोनाइजेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो आपके लिए बहुत कठिन है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ते हैं वो वही क्वेश्चन छोड़ते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन पे बेस्ड होते हैं, सेमाफोर्स पे बेस्ड होते हैं। वो टफ लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा कल क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन करवाऊंगा, 2018 का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो पिछले साल इस साल जो क्वेश्चन आया वो मैं करवाऊंगा। आपको पता चलेगा कि यार ये तो क्वेश्चन बन जाते लेकिन हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। ओएस कब खत्म होगा? आप मेरा कल वाला वीडियो देखो, कल वीडियो के लास्ट के 5 मिनट आप सुन लेना, मैंने उसमें बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब खत्म होगा। ठीक है, तो कल वाले वीडियो का लास्ट का 5 मिनट सुन लेना। ठीक है, चलो तो अब इस क्लास को हम एंड करते हैं और फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस सही लग रही है ना? चलिए, थैंक यू।